हो चुका है, हम घर ही निकल रहे थे तो सांजी के पापा को जाना भी है ऑफिस के लिए, आज थोड़ा लेट हो गया है तो खा के अब वो निकल जाएंगे। क्या लिखा? हैप्पी होली लिखा है क्या? आपके लिए कलर मंगवाई हूँ, होली नहीं खेलना है तो हमने जो सामान मंगवाया था वो आ चुका है। वेलकम टू रिंकू अनिल व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज शिवरात्रि और शिवरात्रि महापर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बोले बाबा आप सबकी रक्षा करें, हम सबका दुख हरे बोले बाबा। तो दोस्तों मैं बना रही हूँ खाना, और खाना बना के मैं बना रही पूजा करने के लिए। तो सब रेडी कर लूँ, उसके बाद चलेंगे नहाने के लिए और चलेंगे हम पूजा करने के लिए। सब लोग सो रहे हैं तो तब तक मैं खाना बना के नहा लूँ, रेडी हो जाऊँ, उसके बाद चलेंगे हम। दोस्तों हम सब निकल रहे हैं पूजा करने के लिए। पहले ले आइए था, जल्दी करो जल्दी जल्दी लगा दे चार्ज में। आज शिवरात्रि है तो साड़ी लगाना तो बनता है। तो चार्ज में लगा, हट लगा वो चार्ज में। रिंकू आगे फिर सांभी के पापा को खा के जाना भी है, इसलिए चलिए फिर हम जल्दी ही आ जाएंगे वहां से। चलो सांभी, चलिए दोस्तों हम सब निकलते हैं यहाँ से, यही पास में जाना है हमें। हम आके वीडियो नहीं बना पाए, थोड़ा लेट हो रहा था सांगी के पापा को। तो हमारा पूजा ख़त्म हो चुका है, हम घर ही निकल रहे थे तो सांगी के पापा को जाना भी है ऑफिस के लिए, आज थोड़ा लेट हो गया है तो खा के अब वो निकल जाएंगे। सांगी यहाँ पे आओ, ताको ताको। पूजा करके मैं मतलब आई तो सबको खाना वाना खिलाई, सांदी के पापा तो खा के चले गए, और ये खाना खिलाते सब काम मेरा मतलब ख़त्म करते करते साफ हो चुका है। तो सांदी के पापा आएंगे तो हमें मार्केट जाना है, सांदी के पापा को कुछ काम था तो चलेंगे हम मार्केट, और देखते हैं मार्केट में क्या करेंगे। सांदी के पापा को क्या काम है वो भी दिखाएंगे, कौन सा ज़रूरी काम है आज हम दिखाएंगे आपको, ठीक है? मुझे बोल रहे तो बहुत ज़रूरी काम है, तो मुझे भी नहीं पता है, हम उसी वक्त बताएंगे कौन सा ज़रूरी काम है। तो पहले वो आ जाए, उसके बाद हम मार्केट चलेंगे, ठीक है? दोस्तों सांभी के पापा आ चुके हैं ऑफिस से और फ्रेश होके हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से मार्केट के लिए। तो क्या कराना था आज, क्या काम था? बहुत ज़रूरी काम था बोले थे। अच्छा, जेरॉक्स कटाना है, प्रिंट आउट निकालना है और जेरॉक्स कराना है। तो प्रिंट आउट निकालना है और जेरॉक्स कराना है, ठीक है? वही काम था, इसीलिए आप बोल रही थी इतना ज़रूरी काम है। मैं तो मतलब डर गई थी कि क्या हो गया, क्या ज़रूरी काम है। चलिए दोस्तों देखते हैं कहाँ पे जेरॉक्स होता है, पहली बार जा रहे हैं, मतलब पहली बार, मतलब यहाँ पे जब से आए हैं तब से पहली बार, वैसे तो बहुत जेरॉक्स किया है। रखो ना तो मोबाइल लेकर चला जाएगा कोई। क्यों? मैं मार्केट दिखा रही हूँ अपने दोस्तों को। हम लोग वहाँ से घूम के आ गए, वो दुकान खुला ही नहीं था, तो कल हमें सुबह जाना है, फिर से सुबह सुबह जाना है, 8:30 बजे खुल जाएगा बोल रहे थे। कि साइड में हम बगल में पूछे किसी से तो बोल रहे थे 8:30 बजे तक खुल जाता है, तो वो काम हमें जल्दी से जल्दी करवाना है, जेरॉक्स वाला काम है वो हमें मतलब अर्जेंटली करवाना है। तो चलेगा अब, जिस काम के लिए आए थे वो तो हुआ नहीं। चलो खाना खाना। दोस्तों हम लोग घर आ चुके हैं और चलिए हम खाना बना लेते हैं, खाना नहीं बनाए हैं अभी। बंटू भी सो चुका है, सैन भी सो चुकी है, तो चलिए पहले खाना बना लेते हैं, ठीक है? रात हो रहा है बहुत, उसे उठा के खिलाना होगा सैन भी को, और पानी गर्म होने के लिए चढ़ाई हूँ यहाँ पे। चलिए दोस्तों हम खाना बना लेते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे, उसके बाद ढेर सारी बातें करेंगे हम। दोस्तों खाना बन चुका है, आज मेरा फास्टिंग है तो
आपको पता ही है, आज शिवरात्रि है, तो किस किस ने फास्टिंग रखा था प्लीज दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमने खाना बना लिया है, तो खाना में बनाया मैंने चावल और भिंडी की सब्जी और दाल, और ग्रीन चिल्ली को हमने फ्राई किया है। तो चलिए दोस्तों खाना निकाल देते हैं। सन्नी के पापा ऑफिस से आके और मेरे साथ तो चले गए मार्केट की तरफ, तो इसीलिए रेस्ट भी नहीं कर पाए। तो खाना खा लेंगे उसके बाद करेंगे रेस्ट वो, और मैं भी सो जाऊंगी फास्टिंग आज उधर। चलिए दोस्तों हम खाना निकाल लेते हैं, ठीक है। और सारा किचन भी सफा कर ली हूँ, बर्तन वगैरह जितना था वो सब सफा करके सोने के लिए आ ही रही थी, तो देखा डायपर भी नहीं है, और बंटू के लिए डायपर सारा खत्म हो चुका है, बंटू का डायपर। और सानवी को ना इतना ज़्यादा खांसी हो चुका है, क्या बताऊँ मैं उसको, पता नहीं कैसे, मतलब दिन में कितना गर्मी रहता है ना, और सुबह सुबह थोड़ा ठंड जैसा लगने लगता है, और उसको ओढ़ा देती हूँ चादर पर, वो रखती नहीं है, और पंखा चलता रहता है, इसीलिए इतना ज़्यादा उसे खांसी हो चुका है सानवी को। तो अभी मतलब रात को तो डायपर जरूरी है, तो वही हमने डायपर बंटू के लिए और सानवी के लिए कब सीधे वही हॉनी टच का, उसे वही उसी कब सीधे से ठीक होता है, वही खांसी का दवाई से उसे ठीक होता है, और कोई कितना भी खिला दूँ दूसरा कोई काम ही नहीं करता, हॉनी टच ही उसे चाहिए, वही उसे मतलब उसका खांसी उसी दवाई से ठीक होता है। तो दोस्तों हमने अभी अभी ऑर्डर किया है, तो सामान बस आ जाए उसके बाद हम सो जाएंगे। कितना मिनट बाकी है, 10 मिनट, 10 मिनट दिखा रहा है अभी, बस वो जल्दी से आ जाए तो हम चलेंगे सोने के लिए। दोस्तों चलिए हमारा सामान आ चुका है, चल के लेते हैं, सैंडी के पापा आगे चले गए हैं, चप्पल लगा ली चप्पल, इतना सारा डॉगी है यहाँ पे स्मॉल में, बहुत ज्यादा। क्या लिखा, हैप्पी होली लिखा है क्या? हाँ, के लिए कलर मंग रही हूँ, होली नहीं खेलना है। तो हमने जो सामान मंगवाया था वो आ चुका है, और नया नया ये कैरी बैग निकाला है शायद लिंगी वाला ने, देखिए क्या लिखा है इस पे, आज कोई नहीं बचेगा, हैप्पी होली, होली है। तो हमने पर ऑर्डर बनने के लिए 82 पीस का है, कितने पीस है स्मॉल साइज। और हाँ बिजी हो गई कि मैं आपसे आपसे बातें नहीं कर पाई ज़्यादा, उसके लिए सॉरी। तो बंटू भी असेंबली में लग गई थी, क्या बताऊँ मैं आपको, आप सबको पता ही होगा बच्चा मतलब कैसा शैतान होता है, भगवान भी होता है पर परेशान करने में बस शैतान से भी बढ़ते होते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल में नहीं है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, गुड नाइट।